नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के हमारे डे 23 के 10 सुपर क्वेश्चंस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं। अभी तक के सारे सेशन कितने बच्चों ने देखे कंफर्म करो बेटा। हम 23वें दिन पर आ गए, हमारा 69 सेशन आ गया बेटा। टोटल 150 डेज तक ये शानदार यात्रा चलती रहेगी। तो आज के 10 सुपर क्वेश्चंस पढ़ने का समय आ गया है, आइए शुरू करते हैं। हम आपको फिर से याद दिला दें, ऑफिशियली एनरोल जरूर कर लीजिएगा। हजारों बच्चों तक हमारा कम्युनिकेशन लगातार जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, बेनिफिट ऑफर्स का लाभ ले रहे हैं, तो आप भी जरूर करते चलें। आज के 10 सुपर क्वेश्चंस के साथ हमारे 230 खतरनाक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज सुबह हमने 6:30 बजे क्या पढ़ा? सिलेबस कॉन्सेप्ट। 1 बजे क्या पढ़ा? गवर्नमेंट स्कीम। और अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रीलिम क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला वार्म अप क्वेश्चन। फटाफट बताओ बेटा, व्हाट वाज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? दोस्तों, हमारे प्रीलिम एमसीक्यू में हम आपको अलग 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 टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहते हैं, जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे काम आएंगे। हर क्वेश्चन के पहले वार्म अप क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो बताइए नेफा क्या था? ये बहुत ही मासूम सवाल है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो जल्दी से बताइए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आखिर थी क्या? पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट कीजिए ताकि सभी बच्चों को मजा आए। अब आ गया है आज का पहला सवाल। हमको दोनों कॉलम को मैच करना है भैया, और सेवन सिस्टर्स पे मैं आपसे पहले भी सवाल पूछ चुका हूं, आज फिर पूछूंगा। प्यारे साथियों, ये है हमारा पहला सवाल। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी को आपको 1 2 3 4 5 6 7 के साथ मैच करना है। जल्दी करो, बताओ आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा? इन चारों में से आंसर होगा ना एक। एलिमिनेशन करो तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे एलिमिनेशन, सोचिए। देखिए प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही सरल ट्रिक बताऊं मैं आपको। त्रिपुरा को आप किस चीज के साथ जोड़ सकते हो? अब मजे की बात यह है कि इन चारों ऑप्शन में वो एक ही जगह है, तो आपका आंसर क्या होगा? खत्म हो गया सारा सवाल। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये एकदम से दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी और के साथ स्टार्ट करते हैं। अब F4 E3 तो सब जगह फिक्स हैं, तो इन पे दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि E3 के साथ ही होगा, एजावल बिल्कुल सही है, और F4 के साथ ही होगा। नेफा को ही अरुणाचल प्रदेश कहते थे ना भैया, तो ये तो पहले ही लॉक कर लो क्योंकि चारों में है। डी चेक करो, डी 3 जगह 7 है, तो चांसेस 7 के ही ज्यादा हैं, और हम जानते ही हैं राजधानी। सी को देखेंगे ध्यान से, 1। B6 फिक्सी है और A 2 है निश्चित तौर पर। तो प्यारे दोस्तों, कठिन चीजों में मत उलझना कि नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला था। नहीं पता हो तो भी अगर G5 भी पता था तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कितने बच्चों का सही उत्तर आया, ये टेक्निक समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाउ मच इज डॉलर 1 ट्रिलियन इन रुपीज? 1 ट्रिलियन डॉलर रुपयों में कितना होगा? बहुत प्यारा सवाल है। हम कहते हैं ना, भारत की GDP 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर 1 ट्रिलियन डॉलर मैं आपसे बोलूं कि रुपए में परिवर्तित करके बताओ तो वो कितना होगा? लाख करोड़ में बताओगे ना? जल्दी बताओ, मोटा मोटा फिगर देना है आपको। हिंट दे देता हूं, भारत का GDP 200 लाख करोड़ था, अब आप उसमें से निकाल लो। प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर का GDP बोला है 2024-25 तक हमें करना है। उस संदर्भ में, मतलब इस विषय के संदर्भ में, निम्न में से क्या क्या सही है? 1 2 3 में से क्या क्या सही है बताइए दोस्तों। मैं आपको थोड़े कठिन सवाल दे रहा हूं, आप निराश तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सरल सवाल तो कोई भी करा सकता है, टॉप लेवल के कठिन सवाल कराऊंगा तभी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। इसलिए निराश बिल्कुल मत होइएगा अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आती है तो। प्यारे दोस्तों, एक चीज तो बिल्कुल तय है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये गलत है तो ये दोनों गलत हो गए, ऐसे कैसे? इनफैक्ट ये भी गलत हो गया। हैंस अवर आंसर इज दिस। देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट से तो GDP सीधे सीधे कंट्रोल होता है, तो उनका महत्व ग्रॉसली एग्जैजरेटेड कैसे हो सकता है? तो जिसको ये समझ में आ गया कि 3 इज रॉन्ग, आपको तो आंसर ही मिल गया। और इसलिए कभी भी एग्जाम में हिम्मत नहीं हारना कि अरे यार ये कितना कठिन, ये ढूंढो कि तीनों में से कोई एक चीज आपको आती है क्या। और अगर किस्मत ने साथ दिया, कभी कभी ऐसा होगा, हर बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो हो सकता है 3 ऑप्शन उड़ जाएं। समझ में आ गया? तो दिस इज डी। अगले सवाल पर आते हैं। उससे पहले भारत भर से जुड़े हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, कृष्ण मित्तल दिल्ली से, रंजना बघेल आगरा से,
सौरभ दिल्ली से जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चों, खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, अपने साथियों को भी तपस्या सीरीज से जोड़ते चलें। आज हम 23rd डे पे हैं, हमें 150 तक की यात्रा पूरी करनी है, बहुत मजा आएगा। हमारी ये गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ बहुत शानदार है, बुक स्टोर पर अवेलेबल है, जरूर परचेस कीजिएगा। अगला वार्म अप क्वेश्चन, अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम बताओ। जैसे भारत में आरबीआई है ना गुरु, वैसे अमेरिका में सेंट्रल बैंक कौन है, जरा उसका नाम जल्दी से बता दो, प्यारा प्यारा सेंट्रल बैंक अमेरिका का, और आज उसके चेयरमैन कौन है उनका भी नाम बता दो। विच ऑफ दीज हैज नॉट बीन, ये जो नॉट बीन होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अ फॉलआउट ऑफ द यूएस क्राइसिस 2008 दैट स्पाइरल्ड इनटू अ ग्लोबल रिसेशन। अमेरिका में हाउसिंग मार्केट में एक संकट आया 2008 में, और वो संकट फैलते 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 ग्लोबल रिसेशन का रूप ले लेता है। तो निम्न में से क्या उस संकट का एक फॉलआउट नहीं रहा है, ए बी सी डी, मतलब उसके बाद के 10 सालों में, अब तो 12 साल हो गए इस बात को, तो उसके बाद के 10-12 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है। देखिए एक बात तो तय है, ये तो बिल्कुल हुआ है, एक बात तो तय है ये भी बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ है। आरबीआई की अपनी एक कंजर्वेटिव स्टाइल हमेशा से रही है, ये नहीं है, ये हुआ है। तो सही उत्तर है सी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, लेकिन ए बी और डी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये आप कैसे दावा कर सकते हैं, अरे भैया क्वांटिटेटिव ईजिंग पढ़ लो और समझ लो, क्यूई क्या होता है जरूर बताना। अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर, व्हाट इज द जीएम पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट। सुना है जेम पोर्टल चलाती है भारत सरकार, बहुत बड़ा पोर्टल है और उस पर बहुत कुछ होता है, क्या आप बता सकते हैं जीईएम पोर्टल पे क्या होता है भारत सरकार में, इसका फुल फॉर्म क्या है। द आरबीआई पैनल ऑन एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, जो भारत का 50% जीडीपी 70% 80% एम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म का देखती हैं, आरबीआई ने एक पैनल बनाया, उस पैनल ने एमएसएमईज को लेकर अनुशंसाएं भी दी। निम्न में से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं दी उस पैनल ने एमएसएमई वाले ने, बताइए। और एमएसएमई अगर हमारे अच्छे नहीं चलेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे से, हमारा समाज अच्छे से नहीं चल सकता है, क्योंकि एमएसएमई के पास ही असली ताकत है। प्यारे दोस्तों उसमें से क्या क्या सजेशन उन्होंने नहीं दिया बताइए। देखिए एक बेसिक बात समझ लीजिए, जेम और टीआरईडीएस के जो पोर्टल्स हैं ये एमएसएमईज की सेल्स बढ़ाने के लिए और उनके कलेक्शन सुधारने के लिए होते हैं, इनका भारत के टैक्स कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो विच ऑफ दीज इज नॉट, आंसर हमारा हो सकता है ए या हो सकता है सी, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब मजबूरी है, थ्री तो चेक करना ही पड़ेगा, टू आपको पता हो नहीं पता हो उसकी जरूरत ही नहीं है, और ये तो बात सही है कि टू सजेस्ट किया होगा तभी तो आंसर में नहीं है ना। प्यारे दोस्तों ये निश्चित तौर पर सजेशन नहीं है, करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड थ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद रखिएगा, तैयारी रखें इस तरह की कठिन चीजों भी पढ़ने की। कितनों को आंसर सही आया, जब हमारा सेशन समाप्त होगा 10 में से आपका नेट स्कोर कितना आया बताइएगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, कृपया कॉन्ट्रीब्यूशन पीटी एजुकेशन को बनाए रखें। व्हाट वाज अमेरिका स्टैंड ऑन हुआवे, हुआवे चीन की 5G कंपनी, चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी जो 5G टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, नेटवर्क गियर सप्लाई करती है। हुआवे को लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्या अप्रोच रही है बताइए, वो क्या कहते हैं कि हुआवे क्या करता है, भारत की क्या अप्रोच है बताइए दोस्तों। विच ऑफ दीज इज अ पॉलिसी चॉइस दैट इंडिया हैज टू मेक इन द ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, मतलब वैश्विक विदेश नीति के संदर्भ में निम्न में से क्या अब भारत को चूज करना पड़ेगा, समझ में आया आपको एबीसीडी, मतलब किन किन चीजों से भारत उलझा हुआ है फॉरेन पॉलिसी में। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है, तो भारत को डिसीजन लेना, भारत ने डिसीजन ले लिया कि हम हुआवे को लिमिटेड रूप से अलाउ करेंगे। देखिए समस्या यह है कि हुआवे को अलाउ नहीं करेंगे तो दूसरा आएगा कौन उस स्केल पे। बिल्कुल सही है, अमेरिका रूस दोनों के साथ एक से जुड़ते हैं तो दूसरों को हटाना पड़ता है, ये एक जीरो सम गेम बन गया है। कितनों को पता है जीरो सम गेम की क्या परिभाषा होती है, बड़ा खतरनाक गेम होता है रे बाबा। तीसरा, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न्स साउथ चाइना सी की गतिकी को साउथ एशिया में घुसा देगा, तीनों बिल्कुल सही हैं, आंसर इज 1, 2 एंड 3। कितनों को पता थी ये चीजें, वेरी गुड।
छठवां वार्म अप क्वेश्चन, अमेरिका में एक के हुआ करता था, आज भी चोरी छिपे है, तो ये के क्या था बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया भारत सरकार को कि मॉब जस्टिस बाय विजिलांते क्राउड, यानी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बोलती है कि मारो मारो, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था भैया। तो उस संदर्भ में निम्न में से क्या क्या सही है बताइए, एबीसीडी में से। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पूरा बना हुआ है, हालांकि हमारे अलग अलग राज्य अलग अलग स्तरों पर उसको लागू कर पाए हैं, पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं, और ये हमारे राज्यों की विफलता ही कही जाएगी। एक आम आदमी को अगर एक भीड़ आके मार दे तो उसके बाद तो कुछ कहना सुनना ज्यादा बचता नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये चारों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, समझ में आया आपको। हालांकि अनुपालन में अभी बहुत लंबा समय चल रहा है। सातवां वार्म अप क्वेश्चन, भारत में हाल ही में एक सीडीएस का पद निर्मित हुआ और एक सज्जन को अपॉइंट किया गया, कौन है वो, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड सीडीएस, और सीडीएस का फुल फॉर्म भी बताइए, और क्यों बनाया गया सीडीएस का पद ये भी बताइए। ये रहा सातवां प्रश्न, विच ऑफ दीज आर द कंस्ट्रेंट दैट द इंडियन एयरफोर्स वर्क्स विथ। तो आज भारतीय वायुसेना कुछ कमियों से जूझ रही है, इनमें से वो कमियां कौन सी है बताओ, एबीसीडी उत्तर होगा आपका। ये तो बिल्कुल है ही, हम जानते ही हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है, देखिए कितनी खतरनाक बात है, उनको ट्रेनीज को मतलब फुली ट्रेन रखना है किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन के लिए, और आपके पास इनफ ट्रेनी पायलट ट्रेनी जेट्स नहीं है, तो पुराने में कर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत तेजी से तेजस लिया जा रहा है। करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो आज आपको ये तीन इंटरेस्टिंग चीजें पता चल गई। एयरफोर्स के चीफ कौन है जरा हमें नाम बताइए। अगला सवाल, विच कोर्ट्स इन इंडिया आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो भारत में बहुत सारे कोर्ट्स हैं, हमारे यहां पूरी यूनिटरी जुडिशरी चलती है नीचे से ऊपर तक। इस यूनिटरी जुडिशरी में एकात्मकता के साथ बनी हुई है पूरी न्यायपालिका में संवैधानिक न्यायालय कौन से हैं बताइए, उनका काम ये संविधान की रक्षा करना। विच ऑफ दीज आर द प्रॉपर सिग्नल्स ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ कंपैशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अगर आप दुनिया में कोई भी देश ये दावा करता है कि हम कानून के राज पे टिके हुए हैं, कंपैशन पे टिके हुए हैं और संवैधानिक सिद्धांतों पे टिके हैं, तो उसके सिग्नल क्या क्या होंगे, मतलब देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, मतलब ये सिग्नल है। 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ये काफी हाई क्वालिटी के सवाल हैं, इनको ढंग से सॉल्व कीजिए, इन पर आपकी क्या राय है वो शेयर करते चलिए, ये बहुत जरूरी है। एबीसीडी में से क्या उत्तर हो सकता है बताइए। नेचुरली ये चारों चीजें किसी भी रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1, 2, 3 एंड 4। नवे सवाल पर आए हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स आरएफआर, प्रतिस्थापन प्रजनन दर क्या होती है बताइए। किसी भी समाज के लिए एक जादुई फिगर होता है ये, जल्दी बताइए आरएफआर क्या होता है। फर्टिलिटी रेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है। अगर आपको किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि पे बात करनी है तो फर्टिलिटी रेट्स पे बात करनी है। निम्न में से क्या फर्टिलिटी रेट्स के कंटेक्स्ट में सही है बताइए दोस्तों। प्यारे दोस्तों, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब ही होता है कि अगर एवरेज पर वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सोसाइटी स्टेबल हो जाएगी, और अगर किसी सोसाइटी का टीएफआर आरएफआर के नीचे चला गया तो सोसाइटी की आबादी बढ़ना रुक जाएगी। भारत का टीएफआर 2.1 हो चुका है ऑन एन एवरेज, पूरे भारत का मालूम है ना आपको। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ किड्स टू बी बॉर्न टू ईच वुमन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज, बिल्कुल सही है। अगर 1 और 2 सही हैं तो एक ही उत्तर हो सकता है, 1, 2 एंड 3, मतलब 3 भी सही होगा। आपको समझ में आया। अब जैसे जापान है, वहां टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से बहुत नीचे चला गया है तो जापान की आबादी सिकुड़ना शुरू हो गई है। आज का आखिरी सवाल प्यारे साथियों, हाउ मेनी स्लैब रेट्स आर इन जीएसटी। तो आज मैं आपसे पूछूं, 1 जुलाई 2017 को शुरू हुए हमारे जीएसटी वन नेशन वन टैक्स में कितनी स्लैब दरें हैं, क्या उत्तर देंगे आप जल्दी बताइए, और वो दरों में कितना परसेंटेज रेट है वो भी बताइए। द जीएसटी वॉज लॉन्च विथ वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर।
ये जो ओरिजिनल बड़ा शानदार विजन था वन नेशन वन टैक्स, अगर हम आज की परिस्थिति पे नजर डालें तो निम्न में से क्या उस विजन के खिलाफ जाता दिखता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो हो नहीं सकता, स्लैब रेट्स गिरते जाएंगे, इसका वन नेशन वन टैक्स को कहां हार्म होने वाला है? इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गए। इससे क्या नुकसान हो जाएगा? इससे कोई वन नेशन वन टैक्स को थोड़ी नुकसान होगा। करेक्ट आंसर इज दिस, आप किसी एक राज्य को जैसे केरल को वो फ्लड से अलग से 1% लगाने दिया तो वन नेशन वन टैक्स थोड़ी हर राज्य मांगने लगेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज वन। आई होप करेक्ट आंसर इज ए। कैसा लगा आज का सेशन बच्चों? आज शाम को 7 बजे पीटी ऐप पर आपको आज के तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे, तो कृपया डाउनलोड कीजिए। कितने बच्चों ने अभी तक सब कर लिए हैं? ये सारे आप ही के लिए हैं, अच्छे से पढ़िए। अब हम आपसे डे 24 बुधवार को मिलेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।